हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार स्ट्रीट पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एरिया अंडर कर्व, क्लास 12th का चैप्टर है, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आप इसे पढ़ेंगे एरिया अंडर कर्व को। तो इसमें होता क्या है, दो वक्रों से घिरा हुआ पृष्ठ क्षेत्रफल। तो दो वक्रों से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल होता है उसको हम निकालेंगे और इंटीग्रेशन की हेल्प से, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है तो इसमें इंटीग्रेशन का यूज़ करके हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चों को दिक्कत करती है, वो क्या है बच्चों को बेटा, सबसे बड़ी दिक्कत करती है इसमें ग्राफ। जो इसमें ग्राफ यूज़ होते हैं वो सबसे ज़्यादा दिक्कत करते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चों को ग्राफ बनाना ही नहीं आते। तो उन ग्राफ को सबसे पहले हम बनाना सिखाएंगे, उसके बाद हम सीखेंगे कि एरिया जो है वो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा और जो ग्राफ बनेंगे उसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि जो एरिया अंडर कर्व या फिर किसी दो वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना। सबसे पहला ग्राफ है, मान लिया वाई इक्वल टू कोई कांस्टेंट है तो वो कैसे बनेगा। जैसे वाई इक्वल टू 4 है तो वो कैसे ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहले बेटा हम जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, क्लियर। अब अगर मेरे को वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ बनाना है तो मैं जानता हूँ 1 यहाँ पे कहीं पे होगा, 2 यहाँ पे कहीं पे होगा, 3 यहाँ पे कहीं होगा और 4 यहाँ पे कहीं होगा। तो वाई इक्वल टू 4 पे यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है तो वाई इक्वल टू 4 का जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, इसको मैं वाई इक्वल टू 4 बोलूँगा, क्लियर। अच्छा, वाई इक्वल टू एक अनदर कॉन्स्टेंट लेते हैं, मान लो वाई इक्वल टू -2 कॉन्स्टेंट लिया तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। मैं जानता हूं बेटा वाई इक्वल टू -1 यहां पे होगा, -2 यहां पे कहीं पे होगा, क्लियर। तो वाई इक्वल टू -2 बेटा यहां पे होगा तो हमारा वाई इक्वल टू -2 का ग्राफ ये हो गया, क्लियर। अच्छा, अभी हमने वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ पढ़ा, अभी हम पढ़ते हैं बेटा एक्स इक्वल टू कोई कॉन्स्टेंट दे रखा हो। कॉन्स्टेंट मतलब जिनका वैल्यू चेंज नहीं होता, जिन्हें बोलते हैं हम अचर राशि। जैसे y इक्वल टू 4 दे रखा है तो ये कभी चेंज नहीं होगा, ये 4 है हमेशा 4 ही रहेगा और ये -2 है वो हमेशा -2 ही रहेगा, क्लियर। अब मान लो x इक्वल टू 2 से हमें ग्राफ खींचना हो, क्लियर। तो x इक्वल टू 2 का ग्राफ कहाँ से आएगा बेटा, हम जानते हैं कि ये x है, ये x डैश है और ये y है, ये y डैश है। मैं जानता हूँ बेटा x इक्वल टू 1 यहाँ पे कहीं पे होगा और x इक्वल टू 2 यहाँ पे कहीं पे होगा। तो ये x इक्वल टू 2 से मेरे को ग्राफ खींचना है तो बेटा मैं इस टाइप से एक लाइन खींच दूंगा और मेरा क्या होगा x इक्वल टू 2 ये ग्राफ हो जाएगा, क्लियर। अभी मान लो मेरे को x इक्वल टू -4 से ग्राफ खींचना है तो मैं जानता हूँ बेटा x है, ये x डैश है बेटा, 1 माइनस का और ये माइनस का 2, ये माइनस का 3 और ये माइनस का 4। बेटा x इक्वल टू -4 से जो लाइन जाएगी वो क्या होगा, x इक्वल टू -4 का ग्राफ होगा, क्लियर। ये तो हमारी कॉन्स्टेंट वैल्यूज के हमारे ग्राफ हुए, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे लीनियर फंक्शन का ग्राफ। लीनियर फंक्शन मतलब रैखिक फलन जिसकी पावर क्या हो या घात क्या हो 1 हो, जिसमें अचर की जो घात है वो 1 होती है, उसे लीनियर फंक्शन कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसे रैखिक फलन। रैखिक फलन किस टाइप का होता है, लाइक एज वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, क्लियर। ए एक्स प्लस बी का ये रूप होता है और अगर इसको हम देखें तो ये वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी जो है वो रैखिक फलन है, इसे बोलेंगे रैखिक फलन हिंदी में, और इंग्लिश में बोलेंगे बेटा इसे लीनियर फंक्शन। मैं बेटा हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चों के लिए लेके चलूंगा जिससे किसी को भी दिक्कत ना परेशानी हो, क्योंकि जो कोई भी बच्चा है वो किसी भी स्टेट बोर्ड से हो सकता है या फिर किसी भी CBSE बोर्ड से हो सकता है, तो उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए लैंग्वेज को लेकर के। तो बेटा ये लीनियर फंक्शन है, इससे समझ में क्या आता है कि एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, लीनियर फंक्शन रैखिक, रैखिक मतलब एक रेखा को प्रदर्शित करेगा, लीनियर फंक्शन मतलब क्या है, लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर। तो चलिए बेटा एक इसका रूप ये भी होता है बेटा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्लियर। ये वैसे तो एक इक्वेशन ऑफ लाइन होती है और उसी का ये रूप है, क्लियर। यहाँ पे जो बी है वो सी का काम कर रहा है और ये जो एम है वो ए का काम कर रहा है, क्लियर। तो आप चाहो तो इसी फंक्शन को इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्लियर। अंतर कुछ नहीं है, दोनों ही लीनियर फंक्शन है, ये लीनियर ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये भी एक इक्वेशन ऑफ लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा,
क्लियर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी लीनियर इक्वेशन होती है या लीनियर फंक्शन होता है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और वो लाइन कहां से आएगी, कैसे रिप्रेजेंट होगी, कैसे ड्रॉ करेंगे हम उसको, अब वो हम सीखेंगे। क्लियर। तो चलिए मैं एग्जांपल लेता हूं बेटा, y इक्वल टू 2x+3। क्लियर। अब आपको इसका ग्राफ बनाना है, तो आप कैसे ग्राफ बनाएंगे, तो सबसे पहले आप ड्रॉ करिए। क्लियर। तो बेटा जो b होता है वो b क्या होता है, y का इंटरसेप्ट होता है। क्लियर। मतलब क्या है, ये y को किस पर कट करेगा बेटा, ये y इंटरसेप्ट है, मतलब ये y को 3 पे कट करेगा। क्लियर। तो बेटा y 1, 2 और ये 3, मतलब एक पॉइंट हमारा यहां से जाएगा। क्लियर। अब x का पॉइंट मेरे को फाइंड करना है कि ये x एक्सिस है इसको कहां पे कट करेगा। क्लियर। मेरे को y तो पता चल गया कि y को कहां पे कट करेगा, लेकिन x को कहां पे कट करेगा ये पता करना है। तो बेटा मैं जानता हूं कि जो अब अगर x को ये कट करेगा तो x एक्सिस पर y इक्वल टू 0 होगा, तो मैं इसमें y इक्वल टू 0 पुट करता हूं। तो y इक्वल टू 0 मैंने जब पुट किया तो 2x+3 इक्वल टू 0 आया। इस 3 को मैं इधर लेके आऊंगा, -3 हो जाएगा, और x की वैल्यू मैं निकालूंगा तो बेटा -3/2 आएगा। मतलब क्या है, ये x को -3/2 पे ये कट करेगा। मतलब क्या है, इसकी वैल्यू अगर मैं देखूं तो -1.5 आएगा। ये 1 है माइनस का और ये माइनस का 2 है मान लिया, और ये बेटा -1.5 है, तो यहां पे ये कट करेगा x एक्सिस को। क्लियर। तो बेटा ये जो रेखा है या लाइन है वो कहां से जाएगी, यहां से जाएगी। क्लियर। ये जो लीनियर ग्राफ है उसका जो y इक्वल टू 2x+3 का जो ग्राफ था वो ये है। क्लियर। अच्छा, इसी टाइप से मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मैंने ले लिया बेटा एग्जांपल y इक्वल टू 3x+4, माइनस का कर लेते हैं चलो इसे। क्लियर। अब अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो मेरे को पता है ये जो y इक्वल टू ax+b जो होता है उसमें b क्या होता है, y का इंटरसेप्ट होता है। मतलब जो b है वो y को उस वैल्यू पे कट करेगा जो b की वैल्यू दे रखी है। तो बेटा b की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। तो मेरे को ये b जो है 4 दे रखा है, तो वो y को कट करेगा 1, 2, 3, 4। क्लियर। तो बेटा ये 4 पर मेरा जो है y का इंटरसेप्ट मिल जाएगा। क्लियर। अब मेरे को x का इंटरसेप्ट चाहिए, तो बेटा x को जब कट करेगा, ये किसी x एक्सिस को कट करेगा इसको, तो बेटा y इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। अब मेरे को पता करना है y का, तो मेरे को पता चलेगा कि y को कहां पे कट करेगा। अब मेरे को पता करना है कि जो x को कहां पे कट करेगा। क्लियर। तो बेटा जब ये x एक्सिस को कट करेगा तो y इक्वल टू 0 होगा। बेटा y इक्वल टू 0 पुट कर दो इसमें, तो बेटा y इक्वल टू 0 रखूंगा तो इसमें मेरे को मिलेगा 0 = -3x+4। इस 3x को लेके आऊंगा बेटा, 3x = 4 हो जाएगा और x = 4/3 हो जाएगा। क्लियर। तो बेटा x = 4/3 पे कहीं पे कट करेगा, तो ये 1 point कुछ आएगा, मान लो ये 1 और 2 के बीच में कहीं, तो मान लो इसको 4/3 हो गया x = तो बेटा ये लाइन है वो यहां से जाएगी। क्लियर। तो ये हमारी किसकी लाइन होगी बेटा, y = -3x+4 की। क्लियर। अब इसमें बेटा 4 टाइप होते हैं, 4 टाइप की जो लाइन होती है वो होती है, तो उसमें हम 4 टाइप्स की लाइन को पढ़ेंगे और उनके ग्राफ कैसे कैसे जल्दी जल्दी बना सकते हैं हम, बिना कुछ देखे, बिना कुछ मतलब इनको पेन चलाए हम कैसे ग्राफ बनाएंगे, तो अभी आपको बताते हैं। पहले वो 4 टाइप देखेंगे किस चार टाइप की, पहले वो 4 टाइप देखेंगे कि वो कौन से 4 टाइप हैं जिनके वो लाइन बन सकती है। तो बेटा आपने पहले ये 2 देखे, इस टाइप का एक जो लाइन है वो इस टाइप से जा रही है और दूसरी लाइन वो इसी के अपोजिट जा रही है। क्लियर। एक जो लाइन है वो ऐसे जा सकती है और एक जो लाइन है बेटा वो ऐसे जा सकती है। क्लियर। तो ये 4 टाइप है, पहला टाइप, दूसरा टाइप इसका अपोजिट, तीसरा टाइप ये है और चौथा टाइप इसका जस्ट अपोजिट। क्लियर। तो ये 4 केसेस हैं और ये 4 केसेस कब कब होते हैं और कैसे होते हैं वो मैं आपको बताता हूं अभी। क्लियर। तो चलिए बेटा अब उन 4 टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो वो 4 टाइप कौन से हैं, तो मैंने आपको बताया कि ये जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है, या फिर बोलूं ये जो फंक्शन है वो लीनियर फंक्शन है। इसमें कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, केस फर्स्ट,
जब हमारा ए की वैल्यू भी जीरो से बड़ी हो और बी की वैल्यू भी हमारी जीरो से बड़ी हो। क्लियर, मतलब ए और बी हमारे दोनों के दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो ए है वो क्या है, ए हमारा स्लोप है। क्यों स्लोप क्यों है बेटा, ए जो है वो हमारा एम का काम कर रहा है और यहां पे एम क्या होता है बेटा, स्लोप ऑफ द लाइन होता है। मतलब जो एंगल बना रही है लाइन वो, और एंगल किसके साथ बनता है, एंगल वो एक्स एक्सिस के साथ बनता है। क्लियर, तो जो एम है वो ए का काम कर रहा है, तो ये ए यहां पे क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। क्लियर, तो केस फर्स्ट हुआ जब हमारा ए की वैल्यू जीरो से बड़ी हो और बी की वैल्यू भी जीरो से बड़ी हो। क्लियर, केस सेकंड, जब हमारा ए की वैल्यू पॉजिटिव हो बट बी की वैल्यू नेगेटिव हो। क्लियर, जब ए की वैल्यू जीरो से बड़ी हो बट बी की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो। क्लियर, तीसरा केस ये बनता है जब हमारा ए की वैल्यू तो जीरो से छोटी हो बट बी की वैल्यू हमारी क्या हो, जीरो से बड़ी हो। और चौथा केस बनता है बेटा, केस फोर्थ, जब हमारा ए की वैल्यू भी नेगेटिव हो और बी की वैल्यू भी नेगेटिव हो, मतलब दोनों जीरो से छोटी होंगी, जीरो से छोटी होने का मतलब नेगेटिव होना है। क्लियर, अच्छा तो मैं आपको बता दूं, जब भी हमारा ए पॉजिटिव होगा, ए पॉजिटिव होगा तो हमारा जो थीटा है वो हमारा 90 से कम बनेगा। क्लियर, जो हमारी जो लाइन बनाएगी वो थीटा हमारा 90 डिग्री से कम बनेगा। तो यहां पे भी ए पॉजिटिव है और यहां पे भी ए पॉजिटिव है, तो बेटा यहां पे थीटा हमारा 90 डिग्री से कम बनेगा। क्लियर, लेकिन यहां पे और यहां पे दोनों जगह पे हमारा थीटा क्या है, हमारा 90 डिग्री से बड़ा बनेगा, क्योंकि ए की वैल्यू हमारी हमारी जो है नेगेटिव की है। क्लियर, और यहां पे भी बेटा हमारा थीटा जो है 90 डिग्री से ज्यादा बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि एम हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ये जो ए की वैल्यू है वो हमारी नेगेटिव हो जाएगी, और जो नेगेटिव है वो ए जो है वो क्या होता है, स्लोप होता है, और स्लोप बराबर होता है बेटा टेन थीटा। क्लियर, जब एंगल हमारा टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, तो 90 डिग्री से ज्यादा ही मिलेगी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जब 90 से ज्यादा होगा तो नेगेटिव वैल्यू देगा, और नेगेटिव वैल्यू देगा तो जो हमारी ए की वैल्यू वो क्या होगी, जीरो से कम होगी। क्लियर, चलिए तो सबसे पहले हमारा एक इक्वेशन लेते हैं, सबसे पहले जिसमें ए और बी की वैल्यू दोनों की प्लस प्लस होगी, 2x प्लस 4 ले लिया। क्लियर, तो मैं आपको बता दूं कि जो y है, जो b है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं y इक्वल टू x प्लस बी से, x प्लस बी से कंपेयर करूं तो b बराबर 4 है, तो ये 4 पे कट करेगा, y इक्वल टू 4 पे कट करेगा, और x पे कहां पे कट करेगा, तो x बराबर मैं आपको बता दूं माइनस का b अपॉन a होता है जहां पे x को कट करेगा, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करें हम तो बेटा y इक्वल टू 0 रखें इसमें, क्योंकि x को कहां पे कट करेगा, जहां पे y इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस को जब कट करेगा जब y इक्वल टू 0 होगा, तो y इक्वल टू 0 पुट करें तो इसमें बेटा आएगा हमारा बेटा 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो बेटा 2x बराबर माइनस का 4 और x बराबर माइनस का 4 अपॉन 2। तो बेटा 4 क्या है यहां पे, b है, और 2 क्या है, a है, तो b अपॉन a और माइनस का, तो x का जो अगर आपको इंटरसेप्ट निकालना है तो आपका माइनस बी अपॉन ए होगा, और वाई का इंटरसेप्ट तो बेटा बी होता है। क्लियर, तो ये कहां पे कट करेगा बेटा, माइनस टू पे कट करेगा, एक्स को कहां पे कट करेगा, माइनस टू पे। क्लियर, तो ये मान लिया हमने माइनस टू है एक्स बराबर। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब भी हमारा ए की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, मतलब पॉजिटिव होगा ए हमारा, ए हमारा जीरो से बड़ा होगा, तभी हमारा जो है एंगल कितना होगा, 90 डिग्री से कम होगा। और आप जान सकते हैं, यहां से देख के पता कर सकते हैं, जो x एक्सिस है हमारा वो 90 डिग्री से कम एंगल बनना है, जो x एक्सिस के साथ जो हमारा एंगल बनना है वो कितना बनना है, 90 डिग्री से कम बन रहा है। क्लियर, तो जब भी हमारा जो x का जो कोफिशियंट है वो हमारा अगर प्लस का होगा तो एंगल हमारा क्या होगा, 90 डिग्री से कम बनेगा। क्लियर, और आपको
वाई का इंटरसेप्ट और एक्स का इंटरसेप्ट, तो बेटा वाई का इंटरसेप्ट तो बेटा सीधा सीधा बी है, और एक्स का इंटरसेप्ट निकालना, तो बेटा वाई इक्वल टू जो एक्स का इंटरसेप्ट है वो माइनस का बी अपॉन ए है। क्लियर? इसी टाइप से बेटा दूसरा केस पढ़ते हैं। मान लिया हमने वाई इक्वल टू बेटा बी जो है अब मैं नेगेटिव लेना है, तो बेटा टू एक्स माइनस फोर ले लिया, ये इक्वेशन ली, और इसी इक्वेशन की हेल्प से हम सभी ग्राफ को समझाने की कोशिश करेंगे। तो y इक्वल टू हमने 2x माइनस 4 ले लिया, तो हमें पता चल गया कि जो y इक्वल टू जो 2x माइनस 4 है उसमें b की वैल्यू बेटा माइनस का 4 है। मतलब क्या है, y का जो इंटरसेप्ट होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव का 4 होगा। क्लियर? तो ये y को कहाँ पे कट करेगा, माइनस 4 पे कट करेगा। क्लियर? और x को कहाँ पे कट करेगा, तो x बराबर बेटा हम जानते हैं माइनस का b अपॉन a, थोड़ा माइनस का b, तो बेटा माइनस का बी रखेंगे, माइनस का 4 हो जाएगा, और ए की वैल्यू बेटा 2 है, तो 4 अपॉन 2 बेटा 2 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा, और एक्स को कहाँ पे कट करेगा बेटा, 2 पे कट करेगा। तो एक्स इक्वल टू इसको मान लिया 1, इसको मान लिया 2, तो बेटा वाई को कहाँ पे कट कर रहा है बेटा, माइनस 4 पे, और एक्स को कहाँ पे कट कर रहा है बेटा, 2 पे। तो बेटा ये लाइन ऐसे जाएगी। मैंने आपको बताया है कि जब भी हमारा ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी, प्लस की होगी, तो बेटा हमारा 90 डिग्री से एंगल कम बनेगा, और आप यहां पे देख सकते हैं बेटा थीटा जो है हमारा वो 90 डिग्री से कम है। क्लियर? इसको चाहो तो आप और लंबा खींच सकते हैं। क्लियर? तो जब भी आपको y का इंटरसेप्ट चाहिए, तो भाई y इक्वल टू v, v की वैल्यू ले लो, वो आपको y का इंटरसेप्ट मिल जाएगा कि y को कहां पे कट कर रहा है, और x का इंटरसेप्ट चाहिए कि x को कहां पे कट करेगा, तो x को कहां पे कट करेगा भाई, माइनस का b अपॉन a पे कट करेगा। क्लियर? अब आते हैं तीसरे टाइप के केस पर, जिसमें क्या होगा, ए जो है हमारा जीरो से कम होगा और बी जो है हमारा जीरो से बड़ा होगा। मान लीजिए एक वाई इक्वल टू हमने, अब क्या रखना है बेटा, ए की वैल्यू जो है हमारे नेगेटिव रखनी है, तो जो ए की वैल्यू हमें क्या रखनी है, माइनस का 2x, और बी की वैल्यू हमें प्लस की रखनी है, तो 2x प्लस 4 रख दिया। क्लियर? अब हमें पता है कि जो 4 है, जो बी इक्वल टू 4 दे रखा है, वो तो हमें वाई को कट करेगा, थोड़ा 1, 2, 3 और 4 वाई इक्वल टू 4 पे कट करेगा, क्योंकि b की वैल्यू क्या है, 4 है, जो कि y का इंटरसेप्ट होता है। अब x का इंटरसेप्ट निकालना है कि x को कहाँ पे कट करेगा, तो बेटा x इक्वल टू माइनस का b अपॉन a, बेटा माइनस b की वैल्यू कितनी है 4, और a की वैल्यू कितनी बेटा माइनस का 2, कितना आएगा बेटा 2 आएगा, तो बेटा x इक्वल टू किस पे कट करेगा बेटा, 2 पे कट करेगा। तो y इक्वल टू 4 पर और x इक्वल टू 2 पे कट करेगा। अब हमने आपको बताया था जब भी हमारा a की वैल्यू नेगेटिव होगी, a की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो हमारा x एक्सिस के साथ बेटा 90 डिग्री से एंगल ज़्यादा बनेगा। बेटा ये आप देख सकते हो, एंगल जो है हमारा थीटा जो है हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा बनना है। क्लियर? ये मैं आपको एंगल बताने के लिए कर रहा हूँ, बट अगर आपको ग्राफ बनाना है तो सिंपली आप y को वहां पे कट कीजिए जहां पे b की वैल्यू दे रखी है, और x को वहां पे कट कीजिए माइनस बी अपॉन ए पर, आपका ग्राफ बन चुका होगा। क्लियर? लेकिन मैं ये आपको एंगल इसलिए बता रहा हूं कि जो एंगल भी आपको पता चल जाए कि एंगल कहां पे 90 से कम हुआ और कहां पे 90 से ज्यादा होगा, ये आपकी सुविधा के लिए है, एक्स्ट्रा चीज मान सकते हो आप इसे। लेकिन अगर आपको ग्राफ बनाना है तो सिंपली आप दो पॉइंट लीजिए। क्लियर? आप y का इंटरसेप्ट चेक कीजिए और x का इंटरसेप्ट चेक कीजिए, दोनों पॉइंट्स से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, वो आपकी लाइन होगी सिंपली। ठीक है? अब चौथे केस पर बढ़ते हैं। चौथा केस क्या है, जहां पे जीरो से बड़ा मतलब वाई जो ए है वो भी नेगेटिव है और बी है वो भी नेगेटिव है। क्लियर? तो बेटा हम इक्वेशन लेते हैं वाई इक्वल टू, इसी वाली इक्वेशन को लेकर के मैंने चारों ग्राफ समझाए, यहाँ पे बेटा 2x प्लस 4 है, यहाँ पे बी हमारा नेगेटिव था तो बी हमने नेगेटिव लिया है। क्लियर? और यहाँ पे बेटा दोनों ही नेगेटिव, मतलब ए नेगेटिव था बी पॉजिटिव था, तो बेटा हमने ए नेगेटिव लिया है बी पॉजिटिव लिया है। अब यहाँ पे हमारे दोनों नेगेटिव होंगे, तो बेटा वाई इक्वल टू माइनस 2x और माइनस का 4। क्लियर? अब मुझे पता है, क्या पता है, कि जो बी है वो क्या है, माइनस 4 है, तो मतलब बेटा वाई का जो इंटरसेप्ट है वो बेटा माइनस का है, मतलब माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, और x का इंटरसेप्ट निकालूंगा बेटा तो माइनस का b अपॉन a निकालूंगा, माइनस b की वैल्यू क्या बेटा, माइनस का 4, और a की वैल्यू क्या बेटा, माइनस का 2, माइनस से माइनस कटेगा बेटा फिर भी माइनस का 2 आएगा। मतलब क्या है, x इक्वल टू किस पे कट करेगा बेटा, माइनस 2 पे कट करेगा। तो बेटा y इक्वल टू माइनस का 4 ये है, x इक्वल टू माइनस का 2 ये है, बेटा यहाँ से लाइन जाएगी।
अब भी आप देख रहे हो बेटा थीटा हमारा 90 से ज्यादा ही है, थीटा हमारा किससे ज्यादा है, 90 से ज्यादा है, क्लियर। तो आपको एक बात बता दूं, जब भी हमारा ए की वैल्यू प्लस की होगी वहां पे बेटा 90 डिग्री से एंगल कम बनाएगी, और जहां पे ए की वैल्यू बेटा नेगेटिव की होगी वहां पे 90 डिग्री से एंगल ज्यादा बनाएगी, क्लियर। ये तो हुई एंगल की बात, लेकिन कहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगी, कहां पे वाई एक्सिस को कट करेगी, तो बेटा एक्स इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, और वाई इक्वल टू बेटा बी की जो वैल्यू होती है वो सिर्फ वैल्यू होगी, क्लियर। तो बेटा वाई इक्वल टू अगर मैं लिखूं यहां से ए एक्स प्लस बी कोई लीनियर फंक्शन है, तो बेटा ये क्या है, वाई का इंटरसेप्ट है, ये क्या है, वाई का इंटरसेप्ट है। बेटा एक्स का इंटरसेप्ट बताऊं तो आपको माइनस का पी अपॉन ए, बस ये दो पॉइंट, वाई का इंटरसेप्ट और एक्स का इंटरसेप्ट, मतलब एक्स एक्सिस को कहां पे काट रही है और वाई एक्सिस को कहां पे काट रही है, दोनों पॉइंट फाइंड कर लो, दोनों पॉइंटों से एक लाइन ड्रॉ कर दो, वो आपका ग्राफ होगा लीनियर फंक्शन का, क्लियर, इजीली समझ गए होंगे मैं उम्मीद करता हूं आपसे, ठीक।